नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली की जनता ने दिल्ली में सरकार के लिए वोट दिया था, लेकिन फिलहाल सरकार और पूरी की पूरी दिल्ली थप्पड़ की गूंज में उलझी हुई है। थप्पड़ थप्पड़ पता यह चला है कि वीके जैन, जो कि सलाहकार है, वो खुद ये बयान दे रहे हैं कि हां, मेरे सामने विधायकों ने पीटा था चीफ सेक्रेटरी को। आज दिल्ली पुलिस की फौज कुछ इस तरह से मुख्यमंत्री के घर पर उतरी कि सवाल खड़ा हुआ कि आखिर ऐसा क्या ढूंढ कर निकालेगी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, सीसीटीवी उस रूम में था ही नहीं। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल के घर 12 बजे रात एक बैठक में उनके और उप मुख्यमंत्री के सामने एक वरिष्ठ अधिकारी को पीटा गया और मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया। इन्हीं मुद्दों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले आप परिचय करा दें उन खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तालियों के साथ स्वागत कीजिए। रागिनी नायक जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और दिल्ली में जो पार्टी इस वक्त सरकार में काबिज है, अलका लांबा उसका पक्ष रखेंगी। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि सवाल दागे जाए, ये रिपोर्ट। जी 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 दीपक खड़ा माइक माइक जी अमित शाह से पूछताछ करने की हिम्मत है जी। बहुत खतरनाक लोग इस देश की सत्ता पे गलती से आ गए हैं। 35-35 गवाह जो लोग सहराबुद्दीन एनकाउंटर के मामले में बदलवा सकते हैं, वो एक वीके जैन का 24 घंटे में भी बयान बदलवा सकते हैं। अरुणा आसफ अली अस्पताल के डॉक्टर कहते हैं कि मारपिटाई हुई थी। वीके जैन साहब कोर्ट में खड़े होकर अगर कहते हैं कि मैंने अपने चक्षुओं से देखा, तो गलती किसकी है, जवाबदेही किसकी है? अरविंद केजरीवाल जी बताएं। पार्टी के मनोज तिवारी हैं जो बीजेपी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि अर्बन नक्सली जैसा व्यवहार कर रहे हैं केजरीवाल। स्थानीय लेवल दिल्ली के नेता ने बोला है तो सोच के बोलते हैं सब लोग। और दो महीने से ये फाइल ऊपर नीचे हो रही है। अब इनको अफसरों को कुछ कह दो तो इनको बुरा लगता है। हमें पॉलिटिक्स करनी नहीं आती, इसलिए ये 24 घंटे हमारे सिर पे चढ़े रहते हैं ये बीजेपी वाले कांग्रेस वाले। जी हाँ, हमने उन्हें अवगत कराया है कि किस तरह पिछले 2.5-3 साल में दिल्ली सरकार में कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर दबाव डाला जाता रहा है। कौन सच्चा कौन झूठा, ये एक घंटे के बहस में स्टूडियो में तय नहीं हो सकता है। इस डिस्क्लेमर के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि अलका लांबा जी, पहला सवाल मैं आपसे पूछूं, नरेश बालियान आप ही के एमएलए क्या कह रहे हैं अफसरों के साथ व्यवहार के बारे में, जरा सुन लीजिए। नहीं जस्टिफाई क्या कहा, मैंने तो कहा है कि पहली बात सरकार तो ये कह रही कि नहीं हुआ है। मैंने कहा अगर कोई अधिकारी इस तरीके की हरकत करता है, अगर जनता के कामों को, जनता की फाइलों को रोक रहा है, अटका रहा है, तो उसके लिए क्या नाम ये अधिकारी भी तैयार रहे। चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली के सीएम ने अपने घर बुलाया, कोई ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए तो नहीं बुलाया था, कोई नौकरी तो नहीं लगवानी थी, केवल यही काम था कि दिल्ली के 2 लाख लोगों को राशन नहीं मिल रहा, मेरी विधानसभा के 3500 लोगों को पिछले 2 महीने में राशन नहीं मिल रहा, हम लोग परेशान थे इसलिए बुलाया था। कृपया करके आज मंच से आप ये कह रहे हैं कि अधिकारियों को मारना सही है, जस्ट क्या अगर ऐसे अधिकारी हैं तो उनके साथ बिल्कुल, अगर जो जनता की फाइलों को, जनता के कामों में रोड़ा बन रहे हैं तो उनके साथ यही सुलूक होना चाहिए। अलका लांबा जी, अब जवाब दीजिए कि ये जो आपके विधायक जी कह रहे हैं, और ऐसे ही दो विधायक इस वक्त तिहाड़ जेल में हैं यही थप्पड़ मारने के आरोप में, कैसे माने कि
जो पार्टी कहती थी कि देश को राजनीति को बदल देंगे वो अब थप्पड़ के जरिए काम कराने पर उतारू हो गई है। देखिए जहां तक नरेश बालियान की आप बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करती हूं। मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करती हूं कि सचिवालय में घुस के गुंडों द्वारा चुनी हुई सरकार के चुने हुए मंत्री इमरान हुसैन पे हमला किया जाए, जिसके सीसीटीवी फुटेज सबूत उपलब्ध होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस अभी तक ना एफआईआर करती है ना उन गुंडों को गिरफ्तार करती है जिसके सबूत है। दोनों तरफ से हिंसा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हो, बिल्कुल हम उसका समर्थन नहीं करते हैं। और कानून मुझे लगता है बराबर होना चाहिए। अगर अधिकारियों के साथ कुछ गलत हुआ है, दो विधायक जेल में आपने डाल दिए, मंजूर है, अगर उन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान हुसैन के लिए दूसरा कानून कैसे है वो जाते हैं। मैं अपना ही उदाहरण दे देती हूं, यही थाना था, यही हॉस्पिटल, अरुणा आसफ अली था, नशे से आजादी अभियान चलाया, पत्थर से हमला, मुझ पे होता है, चोट आती है, एमएलसी में आता है कि चोट लगी, खून आया, लेकिन एफआईआर नहीं होती, उल्टा घर पहुंचती हूं, मुझ पे ही एफआईआर है और 3 साल से, और इस सोमवार को 30,000 कोर्ट में मेरी भी तारीख है। बस पक्षपात का आरोप क्यों किया जा ठीक है, इस आरोप पर मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब भी नहीं, हिंसा का समर्थन नहीं करते कोई भी हो, नहीं कोई भी हो, लेकिन ये आपके विधायक हैं, ऐसे मैं ही समर्थन नहीं कर रही, क्या मैं समर्थन नहीं कर रही, सामने अधिकारियों ने जो मारपीट की उसका भी समर्थन मत करिए। अलका जी क्या हुआ था उस रात, चीफ सेक्रेटरी को क्या हुआ कि उसने बाहर आकर कह दिया कि मुझे पीटा गया, ऐसा क्या हुआ था? देखिए अगर ये नहीं हुआ था तो क्या दो हुआ था? कक्षा रहे राशन जांच होगी, बैठक बिना राशन कार्ड थी या विज्ञापन थे, जांच का विषय है। दोनों विधायक जिन पे आरोप लगे आज जेल में हैं, जांच चल रही है, सीसीटीवी फुटेज छावनी बना दिया गया मुख्यमंत्री के घर को। इतिहास में कोई चुनाव में मुख्यमंत्री के घर एक पुलिस वाला भी झांक कर देख ले, मैं आपको कोई ऐसा उदाहरण दूं। की क्या दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल, किसी से दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी दिल्ली के लोगों से निभाई जा रही है कि आम आदमी पार्टी की सरकार में इतना बहुमत कैसे दे दिया, राशन कार्ड नहीं मिल रहा, वो गरीब आदमी है, अमीर आदमी राशन नहीं लेता, गरीब आदमी है, 2.5 लाख लोग पूछ रहे हैं राशन कार्ड क्यों नहीं दे रहे, अधिकारी को पूछ के गलती कर दी, सवाल ही नहीं समझ रही। मैं कह रही हूँ की अमित शाह नहीं कह रहे कि मुझे पीटा, एक अधिकारी कह रहा है कि मुझे पीटा, इस अधिकारी की क्या दुश्मनी है अरविंद केजरीवाल से? केजरीवाल से ये दुश्मनी नहीं, दिल्ली के जनता से दुश्मनी निभाई जा रही है। राशन कार्ड केजरीवाल को अपने लिए नहीं चाहिए। फिर से पूछ रही हूँ मैं आपसे, पूछिए, मैं फिर से पूछ पूछिए, ये बीजेपी या कांग्रेस अजय माकन नहीं कह रहे कि मुझे पीटा, एक वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे पीटा, इस तो जांच हो रही है की क्या दुश्मनी है? दो विधायक जेल भेज दिए, जांच हो रही है, हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, हम जांच में सहयोग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के घर को छावनी बना के सीसीटीवी 21 सीसीटीवी फुटेज वसूल करिए जांच, हम समर्थन कर रहे हैं। दो विधायकों को जेल सिर्फ दो थप्पड़ पे भेज दिया, 8 महीने की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, जस्टिस लोया की मौत साबित हो चुकी है कि हार्ट अटैक से नहीं जहर से हुई है, किसी ने हिम्मत की अमित शाह के घर में झांकने की? जवाब दीजिए नुपुर शर्मा जी। अरे सुनिए, एक देश दो कानून, 50 लोगों के साथ वहां पैसे वालों के लिए, रसूख वालों के लिए, सत्ता वालों के लिए, उन्होंने आम आदमी के लिए अलग कानून, मुख्यमंत्री के घर पर 50 लोगों की फौज ऐसे उतरी जैसे पता नहीं क्या निकाल लेंगे आप लोग वहां से, क्या मतलब ये पुलिस वाले 50 लोगों को घर के अंदर घुसने की जरूरत थी? मेरे ख्याल से 50 नहीं घुसे थे, अगर आप दोबारा देखेंगे तो कम थे, बाहर सिर्फ तैनात थे, क्योंकि जो मारपिटाई और जो माहौल बना रखा है दिल्ली में, कोई सामने आ जाए ठोक दो, मार दो, थप्पड़ मार दो, लात मार दो, घूसा मार दो, ये कोई नई चीज नहीं है। इन्होंने इमरान हुसैन का भी एग्जाम्पल दिया गुरुवार, मतलब कल शाम तक, अगर आपको पता है तो न्यूज रिपोर्ट्स ने ही कहा है कि ये जो सीसीटीवी की बात कर रही कि इमरान हुसैन को मारा गया, ये जो दिल्ली सरकार में जितने भी वहां पे जो कर्मचारी उन्होंने मारा है उसका सीसीटीवी फुटेज उन्होंने दिल्ली पुलिस को तो दिया नहीं, तो कौन सी एफआईआर की बात कर रहे हैं? आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, जाके दिल्ली पुलिस को दे दीजिए, और अगर आप मुझे कंप्लीट कर दीजिए, आप अलका जी क्यों अभी तक नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली, प्लीज कंप्लीट कर दीजिए पूरी बात, सही थोड़ी, अगर आपकी एफआईआर नहीं दर्ज हो रही घर से सीसीटीवी फुटेज लिया जाता है सचिवालय से, क्यों नहीं जान जाना जी, आई डिड नॉट, नूपुर जी को बोलने दीजिए अलका, प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप घबराइए मत, जवाब दे रही हूं, घबराइए मत, मेरा भी सवाल पूरा ही नहीं हुआ, सवाल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, आप जवाब क्यों दे रही हैं? सवाल तो सुन लो, सीआरपीसी 156(3) के तहत अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं करती तो कोर्ट कर सकता है, जाइए, आपके पास तो जाएंगे, पुलिस तो क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मेरा आरोप ये है, एक सेकंड, आप भी मेरा सवाल समझिए, आप भी मेरा सवाल, नहीं, जब गृह मंत्री ने ट्वीट करके पहले ही कह दिया कि कौन कसूरवार है तो क्यों ना हम ये माने कि आपका जो इन्वेस्टिगेशन है वो पहले से ही तय हो चुका है। एक माफी चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कि अंशु प्रकाश जी इतने सीनियर अफसर हैं
उनको क्या कुछ इनसे घृणा थी कि उन्होंने अपने मुंह पे जवाब मारे, अपने मुंह पे थप्पड़ मारा? काम जवाब नहीं, नहीं जवाब मैं दे चुकी हूं। तीसरी बात है कि बात का जवाब तो दे दीजिए। जज लोया की कह रही है पॉइजन से डेथ हो गई। आप माफी चाहती हूं, कौन से पेपर देख रही है? इस कोर्ट के केस में मैं खुद हूं सुप्रीम कोर्ट में। आई एम सॉरी कि जस्टिस लोया की मौत ऐसे नहीं हुई है। जज लोया की डेथ तो नेचुरली चार जज ने कहा है ना, क्योंकि आप अमित शाह को बचाना चाहते हैं। मैं तो वकील हूं, मैं तो कोर्ट के तरफ से बात कर रही हूं। जस्टिस लोया की मौत की बड़ी ऐसी जांच होती है तो क्या परेशानी? अरविंद केजरीवाल ने निर्णय क्यों नहीं जताई? अरविंद केजरीवाल ने निर्णय क्यों नहीं जताई? जांच तो कोर्ट बताएगा। दिल्ली पुलिस आपकी दिल्ली पुलिस आपकी नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस आपको मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, नुपुर शर्मा, नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस आपकी, जांच आपकी, नतीजा भी आपका आएगा, ये इनका आरोप है। नहीं अभी तो कोर्ट में है, ये तो 30,000 ही ने उनकी बेल डिनाई करी है, वो तो पुलिस कस्टडी में नहीं जुडिशियल कस्टडी में। इतने ही पांच साल से तो बेल क्यों नहीं मिली? तो आने दीजिए इमरान हुसैन के सीसीटीवी फुटेज, पुलिस क्यों नहीं जब्त कर सकती? क्यों नहीं अलका जी, आप क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों नहीं दे रहे? केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है, ये सबको पता नहीं जा रहे? सीबीआई ने पिटाई हुई ऐसी बहस नहीं हो सकती। अलका जी मैं आपको बोल रही हूँ, प्लीज आप बीच में ना बोले। रागिनी जी आपने इंतजार किया, मुझे लगता है तालियां बजनी चाहिए रागिनी जी के लिए। इंतजार किया लेकिन बीच में नहीं कूदी, मुझे लगता है ऐसे प्रवक्ताओं की हर पार्टी को जरूरत है। रागिनी आज जिन्हें नहीं, एक सेकंड, आपकी अग्नि परीक्षा है, मुझे पता चला बीजेपी का साथ दे रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी। देखिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का अधिकार है, और महात्मा गांधी ने तो कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ नहीं होता वो अन्याय के साथ होता है। तो जो ब्यूरोक्रेसी के साथ अन्याय हो रहा है और जिस तरह से दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकडाउन है, 28 तारीख को बजट आना है और सारे आईएएस अधिकारियों ने ये निर्णय किया है कि वो किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेंगे, केवल राइटिंग नोट्स में काम होगा। तो गवर्नेंस डेफिसिट के साथ साथ अब ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया है, मुझे बहुत खेद है इस बात का। लेकिन अंजना जी मुख्य बात यह है कि जो मुख्यमंत्री स्वघोषित अराजक हो उसके विधायकों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? अरविंद केजरीवाल तब भी चुपचाप बैठे देख रहे थे जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाउंसर्स ने उठाकर मीटिंग से बाहर फेंका, वो तब भी चुपचाप बैठे देख रहे थे जब कपिल मिश्रा को विधानसभा के सदन से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उठाकर फेंका, वो तब भी चुपचाप देख रहे थे जब एक गरीब किसान गजेंद्र सिंह आत्महत्या करता है, उन्होंने जूता फेंक कर मारने वाले जर्नैल सिंह को टिकट देकर विधायक बनाया। नहीं कहीं दूर नहीं जा रही, मेरी बात पूरी होनी पूरी होनी चाहिए, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ जिनको सवाल पूछना है, दिल्ली में नुपुर एक मिनट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की टांग टूटी हुई है दिल्ली में। पिछले 3 साल से 3 लाख राशन कार्ड होल्डर 19 लाख राशन कार्ड होल्डर हो गए हैं, तो 3 साल तक तो इनके कान में जू नहीं रहेंगी। अचानक से एक दिन इन्हें याद आता है कि बहुत क्राइसिस है और हम रात को 12 बजे चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं, चीफ सेक्रेटरी लेकिन अलका जी आप लाइव शो में नरेश बालियान की बोली बोल रही हैं। बिल्कुल, वो कह रही है मैंने ये कहा है 8 महीने के बच्ची के साथ बलात्कार होता है, आपका खून न खुले खून पानी है, और खून खोलने को आप क्या कह रही हैं वो आपकी अपनी परिभाषा है। आज अभी साधु चरण महतो झारखंड के बीजेपी के विधायक ने गधिकार को पीट दिया है, देखते हो कितनी जल्दी गिरा। पता नहीं हमारे दर्शकों ने सुना कि नहीं, लेकिन जब नुपुर शर्मा और अलका लांबा की बात हो रही थी आपस में, तो उन्होंने कहा या तो थप्पड़ मारती हैं या बोलने नहीं देती हैं। तो अलका लांबा ने ये कहा कि जो जिस लायक है उसके साथ वही होता है, ये लाइव शो में बोला है उन्होंने, बाकी फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। सवाल सक्षम मिश्रा है, मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है अलका लांबा जी से कि रात के इस टाइम
विधायक क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के घर पर? आंसरेबल आंसरेबल कौन है? वो चीफ सेक्रेटरी आंसरेबल चीफ मिनिस्टर को है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को है कि एमएलए को है? तो इतने सारे आपके एमएलए प्रेजेंट थे, तो इससे तो यही लगता है कि शायद ये कहीं प्री प्लान तो नहीं था। नहीं, क्या प्री प्लान था? राशन लोगों को नहीं मिल रहा, 2,04,000 उन्होंने प्रश्न किया है, आप आवाज दबा क्यों रही हैं? आपको पता है सलामा के पास जवाब है कि राशन कार्ड को लेकर मीटिंग थी, अरविंद केजरीवाल जी का वायदा था आज की तारीख में राशन कार्ड की फाइल को साइन करवा सवाल पूछा रागिनी जी सवाल सरकार से पूछने का, जो विधायक सरकार बनाते हैं एक विधायक को पूरा हक है पूछने का कि आपकी सरकार आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं। ये हम विधायक सदन में भी पूछते थे, मुख्यमंत्री से भी पूछते हैं। टू द चीफ मिनिस्टर एंड द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, वो हर विधायक को एक एक विधायक को जाकर जवाब नहीं देता फिरेगा कि क्या हो रहा है। और दूसरी बात, सच एन ऑड आर आपको मीटिंग करनी है, टाइम से करिए, इतनी रात में मिडनाइट के आसपास मीटिंग हो रही है, तो ये लगता है कि हमें लोग विधायक चुनते हैं, हम सरकार को चुनते हैं, सरकार से हम 12 बजे राशन करते हैं और बाहर 12 बजे रात के लोगों का सवाल चुनाव है, उनका जवाब नहीं हो जाता है, जवाब लेने गए थे हम सरकार की चुनी मुख्यमंत्री से जवाब लेने गए थे, नहीं दिया जाएगा। अगला सवाल, और सबसे सवाल पूछिए हर पार्टी के नेता से। मेरा सवाल अलका लांबा जी से है। रामलीला मैदान से जो आम आदमी पार्टी उठी थी वो बिखरती चली गई, और अब जनता की आस थी आपकी दलीलें कि बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही, आपके हिसाब से कोई तो कमी है ना? देखिए, मैं ये कह रही हूँ, हम ये नहीं कह रहे हमें कमी नहीं है, अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और हम समझौता नहीं करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई भ्रष्ट शामिल हो जाता है, भ्रष्टाचार करता है, अरविंद केजरीवाल आंख नहीं मूंदेगा, इन दोनों की तरह कार्रवाई करेगा, और हमने कार्रवाई की। अगर कपिल मिश्रा या दूसरे को बाहर भी करना पड़ा, हम केजरीवाल की सराहना करते हैं, भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया, बाहर किया, इसीलिए तो केजरीवाल के चुनाव का समझौता मत कर, सवाल उनसे पूछे जाते हैं आप लोग बोलने लगते हैं। प्लीज रागिनी जी, प्लीज जब उनसे सवाल हो छोटे छोटे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल है, पूछ। मेरा जो सवाल है अलका मैम से है कि जो मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उनके चोटें आई हैं, तो कोई मुख्य सचिव इतना, मतलब दिल्ली सेक्रेटरीट का इतना पागल तो नहीं है कि जबरदस्ती मतलब आपके विधायकों पर आरोप लगाए हैं कि मेरे को चोटें आई हैं? आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? तो आपके ये तो आपकी वीरता है, लोगों की आवाज क्यों दबा रहे हैं? कई बार नहीं लगता है, अरे झूठी बहुत है, आम आदमी को इतना कमजोर मत समझिए आप दोनों, आपकी आवाज मत दबा रहे हैं, आपके बाथरूम में फिसल कर, अरे क्यों आम आदमी की आवाज दबा रही है? मेरा सवाल बोलो, मैं जवाब दूंगी। मैम मेरा सवाल नहीं सुना तो थप्पड़ भी मारेंगे। अरे क्यों, ये आप मारेंगे, ये इनका है, पुलिस इनकी एक थप्पड़ मार सकते हैं, इनके विधायक को थप्पड़ मारा, मेनका गांधी ने गोली दी, कोई कार्रवाई नहीं होगी, थप्पड़। एक सेकंड, सवाल सवाल प्लीज प्लीज, नूपुर प्लीज, नूपुर प्लीज, नूपुर प्लीज, नूपुर प्लीज, नूपुर जी, नूपुर जी प्लीज, नूपुर प्लीज, प्लीज एक आम आदमी को बात रखने दीजिए आप दोनों। मेरा सवाल ये है कि जो मेडिकल में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि जो मुख्य सचिव अंशु प्रकाश जी, उनके चोटें आई हैं, तो ये आपके जो विधायक मतलब इस बात से मुकर रहे हैं कि मतलब हमने कोई हाथापाई नहीं की, तो कोई एक मुख्य सचिव जो दिल्ली सेक्रेटरीट का है, वो इतना बड़ा जो आदमी है, वो इतना पागल तो नहीं हो सकता कि खुद ही बोलेगा कि मेरे को चोटें, या खुद अपने ऊपर चोट करेगा कुछ? देखिए मेरे भाई, ये जांच कमीशन बार बार कह रहे हैं हमारे दो विधायकों को बेल नहीं मिल रही, वो जेल में है, कानून प्रक्रिया जांच से सभी के सामने लाएगी, अगर कोई दोषी है सजा होनी चाहिए, पर क्या इमरान हुसैन पे हमला करने वाले पर सजा होनी चाहिए? आप कुछ बोल रहे हैं, चाहे पर ये दूसरा साथी कुछ और बोल रहे हैं, एक देश दो कानून से पता चल रहा है, दूध या दूध और पानी मना कर दिया है, आप दिल्ली के आम आदमी को कहते हैं पुलिस भी सीसीटीवी में फुटेज, मोदी सरकार के इशारे पे काम कर रही है, कोर्ट जाए, मैं तो बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, कोई नहीं कर रही, आप कहते हैं कि कोर्ट चाहिए, अच्छा सीसीटीवी में ताला लगा दीजिए, क्योंकि हर सवाल अलग अपनी पार्टी से हो रहा है, मैं चाहती हूं आप दोनों को रिस्पोंड करें, ये पुलिस चौकी से कुछ नहीं होगा, लोगों को कह रही है आप तैयार नहीं होती, कोर्ट जाइए, फुटेज दे दो, थाने में ताला लगा दीजिए, कि ये दिल्ली पुलिस पूरी तरह से केंद्र की बेइज्जती सरकार के इशारे पर उनके लिए काम कर रही है, इसलिए जनता को ये कहते हैं नहीं, जल्दी से ब्रेक पर जाना है, जल्दी से छोटा छोटा कमेंट आप दोनों। देखिए सबसे पहले जब मुख्य सचिव ने रिपोर्ट लिखाई तो सारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि सबूत लाइए, अगले दिन एमएलसी आ गई तो आशुतोष जी ने कहा कि वो बाथरूम में फिसल कर गिर गए होंगे, फिर वीके जैन जी का बयान आ गया कि मैंने तो खुद देखा है, तो कहने लगे वीके जैन गिर गए होंगे, तो इनके लिए तो जो मैं खाता
जो केजरीवाल कहे वही सही। लेकिन आप ही बताइए, आप ही लोग कोई तरीका, मैं माइक रख देती हूँ, आप ही लोग मुझे कोई तरीका बताइए कि इन लोगों का टाइम बर्बाद ना हो। बड़े दूर से सब आए हैं, बच्चे हैं मीडिया के, एक साथ तीनों बोलेंगे तो कभी भी कोई किसी को नहीं सुन पाएगा। तो समय पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जिसका नाम ले वही दे। अगर आपको लगता भी है कोई कुछ गलत कह रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सवाल उनसे पूछा जा रहा है। मैं कोशिश करूंगी हर किसी को बराबर का टाइम दूं, लेकिन अलका लांबा जी ब्रेक के बाद आएंगे और नुपुर शर्मा जी आपके पास भी। तो अलका लांबा आपसे मैं पूछूंगी, आप कह रहे हैं कि दबाव में आकर उन्होंने बयान बदल दिए। आइए बुलेटिन की शुरुआत हल्ला बोल में एक बार फिर से करते हैं उस आरोप के साथ जो आज अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। उनका कहना है कि जस्टिस लोया के केस में तो यही पुलिस पस्त पड़ जाती है, सुस्त हो जाती है, लेकिन मेरे घर पर एक पूरी की पूरी फौज 50 पुलिसकर्मियों की उतर जाती है, जैसे कि सब कुछ किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें आप देख रहे हैं पुलिस वालों को जिस तरह से वो तलाशी कर रहे हैं मुख्यमंत्री आवास के अंदर। सवाल यही कि क्या जो तत्परता दिखाई दे रही है वो साजिश के तहत है? कमरा पेंट, सुनिए क्या क्या बातें हो रही है। किसकी लास्ट रिपेयर कब हुई थी, पेंटिंग कब हुई थी, पैसा कब हुआ था? जी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी 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 अमित शाह से पूछताछ करने की हिम्मत क्या है? इतनी शिद्दत से नुपुर शर्मा जी जांच इसलिए हो रही है क्योंकि आप साजिशन इस सरकार को गिराना चाहते हैं। जस्टिस लोया पर तो चुप्पी साध लेती है यही पुलिस। देखिए अरविंद केजरीवाल जी को छींक भी आती है तो वो वीडियो निकाल लेते कि मोदी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। देखिए हमारी केंद्र सरकार के पास बतेरा काम है, जज लोया आपको तो जलसी हो रही, मैं क्या करूँ, जज लोया नहीं चल रहा, जज लोया का मैटर अभी सब्जेक्ट लोया की मौत पर सुनना क्यों नहीं चाह रही, क्या हो गया? नहीं बोलिए, जज लोया का मैटर सुनाइए। जज लोया का मैटर अभी सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ही मानने को भी फिलहाल तैयार नहीं है कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी है। चार सिटिंग जजेस ने अपनी रिटन स्टेटमेंट दे रखी है कि नहीं भाई नेचुरल हार्ट अटैक जो वहाँ मौत मौका है, वहाँ वही चार सिटिंग जज इतिहास के 70 साल में पहली बार मीडिया के आगे जनता में आते हैं कि कोर्टों में किस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है, वही चार जज आपको याद रखिएगा। हाँ बोलिए, आप बोलिए भाई, मुझे बोले दीजिए। चार सिटिंग जजेस इंक्लूडिंग मुंबई हाईकोर्ट के सिटिंग जजेस कहते हैं कि भाई हमारे सामने नेचुरल हार्ट अटैक से डेथ हुई है। सारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट ईसीजी रिपोर्ट एक तरफ लिंक कर रही है कि भाई एक तरफ पॉइंट कर रही है कि ये तो नेचुरल हार्ट अटैक की डेथ है, फिर भी जज लोया का कुछ क्यों नहीं हुआ? जब कोर्ट ही बड़े न्यायाधीश पहली बार आजादी के इतिहास में जनता से रूबरू हुए हैं, आज जनता से रूबरू हुए हैं, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चार बड़े न्यायाधीशों को जनता की अदालत में आने को मजबूर होना पड़े, ये कहना पड़े। लेकिन दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस बचनी तत्परता से अदालत में, कुछ बातें मेरे अधिकार से बाहर हैं और मेरी, मैं जाकर आप लोगों का ना माइक्रोफोन छीन सकती हूँ ना कुछ। एक बार फिर से मैं ऑन एयर अपने दर्शकों के सामने रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज अपनी बारी में जवाब दे। नुपुर शर्मा दिल्ली पुलिस बदला निकाल रही है, ये आरोप है, इसमें जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस बदला निकाल रही है, आप मत बोलिए ना मैडम, मत बोलिए बीच में, चीखना हमारी आदत नहीं है। दिल्ली पुलिस बदला, क्योंकि आप बीच में बोलती है, बिठाइए ना, आपको बहुत परेशानी, आप बीच में लगातार बोलती है। दिल्ली पुलिस बदला निकाल रही है, दिल्ली पुलिस बदला निकाल रही है, जवाब दीजिए। आप लोग बदला निकाल रहे हैं, ऐसे बाकी केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है दिल्ली पुलिस? क्यों नहीं होती, कहां होती है? आप कैसी बातें कर रही हैं? 50 पुलिस आप मुझे बता दीजिए, 50 कहां है मैडम, चार खड़े आपके सामने। अरे मुझे चिल्लाना शुरू करना पड़ेगा, मैं सोच रही हूँ जरा सभ्यता के साथ इस गंभीर मसले पर मिस्टर वीके जैन ने 164 में इन कैमरा प्रोसीडिंग मतलब के पर्सनल 1-to-1 मजिस्ट्रेट को अपने बयान में कहा है। दिल्ली पुलिस के पीछे आ रही है, आम आदमी पार्टी के आ रही है आपके पास, प्लीज अलका जी, प्लीज अलका लांबा, अमित शाह के खिलाफ बयान दिए, सब पलटवा दिए, क्या 164 बयान बताइए, बोले मैं तो जरा आप बताइए ना, आपको ज्यादा पता है कैसे बदलवाया गया, सुप्रीम कोर्ट बताइए, समय जाया हो रहा है, आप केवल चिल्लाए जा
पुलिस नहीं है, बस बंदा ही पार्टी है। जो आपको जो है आपका दर्द दिख रहा है कि आम आदमी को आप कहते हैं पुलिस से कोई नहीं मिलेगी, कौन चाहिए ताला लगा दीजिए। रागिनी नायक, अरविंद केजरीवाल ने मुझे मेरी बॉडी से ताला लगवा दीजिए। मैं तो अगर आप नहीं कहते पुलिस से कोई नहीं मिलेगी, कोर्ट जाइए ताला लगवा दीजिए। बीच में पुलिस नुपुर शर्मा, सोनी नुपुर शर्मा, व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट नुपुर शर्मा, देखिए जस्टिस रागिनी नायक जी, दिल्ली पुलिस इतनी तत्पर सरकार उनके उनके नेताओं के लिए है। यह दिख रहा है डेथ में आपके अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए उनके घर, उसका जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस कितनी पक्षपात कर रही है, एक केस में एफआईआर होती है, समय की बर्बादी है और एक में एमएलसी होती है, दूसरे में एमएलसी मैं बोला नहीं कर दूंगा। आप मार पिटाई पार्टी, आप गुंडाई पार्टी, आप इसका जवाब दीजिए। साधु चरण महतो झारखंड बीजेपी के विधायक ने अभी पीटा है, मैं अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण है। लोया की मौत संदिग्ध हालात में हुई, लोया के मसले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं, अगर आपको लगता है कि जिसका नाम लूं वही जवाब दे और आप इसके विरोध में, तो आप सभी खड़े हो जाएं एक सेकंड के लिए। बता दें इन प्रवक्ताओं को कि बहुत हो गया ये चीखना चिल्लाना, जिसका हम आवाज लेते हैं नाम लेते हैं वही जवाब दे, और वो नहीं हो रहा है यहां पर, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बन रही है, लगता है जैसे मछली बाजार में हम सब खड़े हैं। ये ठीक नहीं है, आप लोग बैठ जाइए। सवाल रागिनी नायक जी जवाब दीजिए। देखिए दिल्ली पुलिस क्या 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 गलत इंटेंशन से काम नहीं कर रही है, पीछे नहीं पड़ी हुई है अंजना जी? ऐसे वो करते हैं, 8 गाड़ियों में सवार होकर 50 पुलिस वालों को देखा आपने कहीं और पहुंचते हुए? अंजना जी, मसला जस्टिस लोया की मौत का बीच में आया तो उस पर बोलकर शुरू करूंगी। वो बहुत ही गंभीर मसला है, उनकी मौत संदिग्ध हालातों में हुई और उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बात खत्म। लेकिन बार बार दूसरे केसेस का उदाहरण लेकर उन्हें ढाल बनाकर अरविंद केजरीवाल जी बचने की कोशिश क्यों करते हैं? आप देखिए जितनी बार भी इनके लोगों पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठा, ये शह देकर खड़े हो गए। फर्जी डिग्री वाले जब तक जेल नहीं गए ये शह दे रहे थे, जब तक कानून मंत्री को ये कानून मंत्री बनाए रखे, जब तक कि उनके ऊपर उनके इस मामले में आप मिले हुए लग रहे हैं दोनों। नहीं, सच सच के साथ बोलना जरूरी है, पर इस मामले में मिले हुए लग रहे हैं। सुनिए सुनिए, सबको दिख रहा है, अगर आप कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट की पॉलिटिक्स चाहेंगे तो वही आपको बदले में मिलेगा। शीला जी ने 15 साल सरकार चलाई, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बनी तब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और राइट विंग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले विजय कपूर एलजी थे। न सिर्फ काम चला बल्कि दो बार और जीत के आए। एक छोटा सा उदाहरण और दूंगी, उमेश सहगल जो चीफ सेक्रेटरी थे, कई मीडिया चैनल्स पर बोल चुके हैं कि शीला जी के साथ एक मीटिंग चल रही थी, तब दिल्ली के एक मंत्री कांग्रेस के मंत्री ने कुछ ऊंची आवाज में बात की तो शीला जी दूसरे कमरे में ले गई, उन्हें समझाया और कहा कि ये पब्लिक बिकरिंग नहीं होनी चाहिए और मीटिंग सुचारू रूप से चली। जहां चाह वहां राह, आप जब काम नहीं करेंगे, जब 111 डिस्पेंसरी बंद हो जाएंगी, जब पीडीएस में राशन कार्ड देने वालों का मोहल्ला क्लिनिक खुले, बताइए कितना स्वास्थ्य शिविर में काम हुआ, बताइए काम जो हुआ नहीं बताएंगे, जो नहीं हुए जब एक तरीका हो सकता है, जब जब तीनों एक साथ बोले खड़े हो जाइए, टॉयलेट नहीं खुलेंगे। चलिए बहस को आगे लिए चलते हैं, कुछ सवाल केजरीवाल जी को ऐसे ही बगले झांकना पड़ेगा। एक सेकंड, बीजेपी से सवाल है, पूछिए। कहीं इस थप्पड़ की गूंज में पीएनबी और विक्रम कोठारी के धमाके को तो नहीं दबाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैं साफ, बहुत बढ़िया पकड़ लिया, कुछ नहीं पकड़ा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों इस मसले पे मिले हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी इस मसले पे मिलके दिखाई हो रहे हैं, क्योंकि घोटाला जो पीएनबी का हुआ वो कांग्रेस राज में भी हुआ और बीजेपी में भी हो रहा है। देखिए घोटाला हमारे राज में नहीं हुआ, पैसा तो गया 2013 में पपिया जप्पिया पाली राहुल गांधी के साथ, सच्चाई तो यही है। सच्चाई तो यही है, अब ये क्यों नहीं बोलने दे रही, क्या प्रॉब्लम है? सब खड़े हो जाओ भैया, पता नहीं क्या हर सवाल का जवाब दे देंगे आप। सभी मोदी जी 4 साल से प्रधानमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी सबकी प्रवक्ता है, इसी टूटू मैमे की वजह से दिल्ली पिस रही है। अगर आप इस टूटू मैमे के खिलाफ है तो भी एक बार हाथ उठा दीजिए। क्या सभ्यता से डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लगातार आप लोग ना जो दूसरे को जाने बोलने देना चाह रहे हैं और आपस में भी आप किसी आज से आज की चर्चा पर आप बात नहीं करना चाह रहे हैं, होनी चाहिए सवाल हमारे भी। अरे नीरव मोदी, विजय माल्या भाग गया, जनता को पता है, पर केजरीवाल सच से क्यों भाग रहे हैं? पूछना पड़ेगा ना, जवाब भी पूछना पड़ेगा, उस पर जवाब भी तो दो जनता। मैम आपने शो के स्टार्ट में बोला था जो जैसा है उसके साथ वैसा करेंगे, ये हक आपको किसने दिया? बिल्कुल सही, कानून यही सवाल है, एक कानून है, एक देश है, हम ये कहते हैं जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा कानून में होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ जैसा कानून है, आप
मारेंगे। हमारी दिल्ली पुलिस शो में चिल्ला सकती है अलका जी, यही तो जनता आपको माफ नहीं करेगी। जो सड़कों पे जाके आप मार रहे लोगों को, ये जनता आपके सामने आपको पटियाला कोर्ट के बाहर देखा। ओपी शर्मा को बीजेपी के विधायक को पटियाला कोर्ट के बाहर चिल्ला के अगला सवाल मेरा सवाल नूपुर मैम से है। नूपुर मैम ने भी बोला कि दो थप्पड़ से क्या कुछ जेल में जा सकता है, आपने बोला क्या सही आम आदमी कबूल कर रही है कि दो थप्पड़ मतलब मारा गया उनको? नूपुर शर्मा नहीं, वो अलका लांबा, सॉरी आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है मेरा सवाल। क्या सवाल है कि सही ये मारपीट हुई है, दो थप्पड़ मारा गया जिसकी वजह से जेल में गए, ए मैम ने बोला पब्लिक के सामने, क्या आम आदमी पार्टी कबूल करती है मारा गया है? मैंने भी यही पूछा था तो मुझे प्रवक्ता बता दिया पार्टी का। जेल जाता है तो इमरान हुसैन पे हमले पे कोई जेल क्यों नहीं गया? एक देश दो, फिर बीच में बोल रहे हैं आप, बीच में क्यों बोल रही हैं? अराजकता क्यों दिखा रही हैं? अराजक तो आप प्रश्न मुझसे किया है, दर्द आपको हो रहा है। हाँ रिपब्लिक डे को बॉयकॉट कर दो, हाँ सोनी तुम बच्चों को कॉम्प्रोमाइज कर दो, हाँ गजेंद्र तुम भी अपने आप को सूली से चढ़ा दो, ओपी शर्मा मारो, हाँ विधायक को 11 के 11 पूछो, ओपी शर्मा अराजक गुंडे आप कैसे बाहर की? सवाल सुन लीजिए एक सेकंड। नूपुर शर्मा, नूपुर शर्मा, नूपुर जी मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब बात होती है हमेशा देश में कुछ भी ऐसा बड़ा होता है तो एक पैरेलल जो है इशू को खड़ा कर दिया जाता है हर बार, क्योंकि बहुत पहले से हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि जब बात होती है ओपी शर्मा को अगर देखें केंद्रीय गृह मंत्री के साथ जो वकील थे जो कन्हैया की पिटाई कर देते हैं जब वो ट्रायल पर जा रहे होते हैं, वहाँ उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। आपके आपके विधायक हैं राजस्थान के निहाल चंद, वो बलात्कार के आरोप में होते हैं, आप उनको केंद्रीय मंत्री बना देते हैं, वहाँ पर आपका दोगली चरित्र की राजनीति कब तक चलती रहेगी? आपको इसका जवाब दूं, निहाल चंद जी वाज एक्विटेड, आपको पता है ये बात, और अपील के अंदर बहुत समय तक केंद्रीय मंत्री रहे थे कांग्रेस के खुद के, उसके बाद में हुआ था अक्यूज एक्सेप्ट, आखिरी बोलने से पहले सुन लीजिए, सबसे पहले हाई कोर्ट के जब ये अपील के अंदर रीओपन हुआ है तो एक डालने पड़ेंगे, लेकिन नहीं तो केस रीओपन नहीं होगा, चलिए वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुए। दूसरी बात, आप कुछ बड़ा होता है तो माफी चाहती हूँ, बड़ा होता है अंशु, आप ये कहना चाह रहे हैं अंशु प्रकाश ने अपने आपको थप्पड़ मारे, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? वो कहना चाह रहे हैं इतना सीनियर सौम्य स्वभाव का मोदी के मामले को दबा कर ये सारा षड्यंत्र आप द्वारा रचा गया है, आए सौम्य सर अपने आप को मारेगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, झूठ बोल रही है ये, क्या गुंडा पार्टी के गजेंद्र सिंह की डेथ नहीं हुई, मोदी सरकार के इशारे पर काम हो रहा है कि किसी तरह केजरीवाल सरकार को गिरना चाहिए। इसी के साथ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, एक सेकंड आप तीनों से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज, एक सेकंड माइक नहीं है, माइक नहीं है आपके पास, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं लेकिन इस सवाल के साथ जा रहे हैं जिसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। नूपुर शर्मा प्लीज, सवाल नूपुर मैम से कि जब एक मुख्यमंत्री के घर 50 पुलिस वाले जा सकते हैं और आप अलका मैम से ये कह रही हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिए इमरान हुसैन के ऊपर, कि जब पुलिस वाले मुख्यमंत्री घर जा सकते हैं तो उनकी सीसीटीवी फुटेज कहीं और से अवेलेबल नहीं कराया जा सकता? कैसे होगी यार, खुद ही तो देंगे, कह रहे हमारी हिरासत में, एंड आई एम सॉरी अगर ये एफआईआर की बात कर रहे हैं, बता तो रही हूँ सीआरपीसी सेक्शन 156(3) और ट्यूजडे 20th को पुलिस मांगी, सॉरी लेट मी कंप्लीट, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से मांगी कि मुझे आप सीसीटीवी फुटेज दीजिए, आपको पता है जवाब नहीं दिया सचिवालय से, क्या सीएम से चाहिए पुलिस वालों को जाकर क्यों लेना पड़ रहा है? बहुत सीरियस ऑफेंस होता है एक आई सिटिंग ब्यूरोक्रेट को मारना उसकी एमएलसी में, पहले तो निपुण जी रही है, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, बोल रही है चार चीफ वाले, थप्पड़ थप्पड़ पता चला है, आप देख रहे हैं टक्कर और हल्ला बोल में ये विशेष पेशकश। आइए एक बार, एक आखिरी सवाल का वक्त बस बचा है, जल्दी से पूछिए, जल्दी से छोटा सवाल। अलका जी आप बताइए कि जनता क्यों आप पे विश्वास करे जब वो सीएम खुद उठपटांग वादा करते हैं सबसे कि हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगेगा और जहां ये वारदात हुआ वहीं पे सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। देखिए कोई आपको लगता है सीसीटीवी कैमरा लगाना ऊटपटांग था तो मांग क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम उसको पूरा करेंगे, हमारे घोषणा पत्र में था कि सीसीटीवी कैमरा लगने चाहिए। और मुझे आप बीच में मत बोलिए, क्यों सीसीटीवी कैमरा हमारे अश्विनी कुमार पीड़ित के अधिकारी ने रोका,
मुझे लगता है कि अधिकारी अश्विनी कुमार ने और चीफ सेक्रेटरी जो सवाल पूछा गया है बच्चे की तरफ से उसी में पूरे दबा हुआ कि एक बात वादे के रूप में की जाती है लेकिन असल तस्वीर कुछ और निकल कर बाद में आती है। इस शोर के लिए आपसे माफी, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, लोग एक बार फिर से खड़े हो रहे हैं और ये गुस्सा इसलिए है, विरोध है दरअसल कि एक साथ प्रवक्ता बोलते हैं हम किसी को नहीं सुन पाते। हल्ला बोल में इतना ही, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।